राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी, हिमाचल प्रदेश के महान सपूत श्री जगत प्रकाश नड्डा जी हमारी इस छोटी सी नगरी में पहुंचे हैं। हम हृदय की गहराई से माननीय नड्डा जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथियों, दो मिनट तक तालियां बजती रहनी चाहिए नड्डा जी के लिए। सब तालियां बजाएंगे, तालियां बजाते रहें, तालियां बजती रहें। हम कभी ननखड़ी को देखते हैं, हम कभी ननखड़ी को देखते हैं और कभी देश के महान नेता को देखते हैं जो हमारी छोटी सी ननखड़ी में इतनी दूर से हमारे भाई बहनों को मिलने के लिए आए हैं, आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अरे भाई, मैं तो देख रहा था, अभी डॉक्टर सिकंदर जी बोल रहे थे जिन सड़कों पे चलना संभव नहीं है उन सड़कों पर आप कई कई किलोमीटर पैदल चल के और गाड़ियों में धक्के खा करके यहाँ पहुंचे हैं। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मंच पर आदरणीय डॉक्टर सिकंदर जी, आदरणीय भाई कौल सिंह जी, जरा तालियां बजती रहनी चाहिए कौल सिंह के लिए। मंडल के अध्यक्ष भाई खुंद जी और सारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो मंच पर है और मंच के सामने है। तीन नारे बोलूंगा, फिर माननीय नड्डा जी हमारे बीच में हमको संबोधित करेंगे, फिर एक बार मोदी सर। यहाँ पर बहन जी भाषण दे रही थी, आप लोग नारे का जवाब नहीं दे रहे थे, बहनें दे रही थी, कंपटीशन होगा। पहले एक बार बोलिए, फिर एक बार। अच्छा देखो, दोनों हाथ ऊपर करो, मुट्ठी बंद करो, कैमरे आपकी तरफ आ रहे हैं, जिसकी मुट्ठी बंद नहीं है उसका कैमरा ध्यान रखना भाई। फिर एक बार ऊपर ही रखिए हाथ, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार। माने नड्डा जी को विश्वास दिला रहा है, हिमाचल में चार की चार, हिमाचल में, हिमाचल में। कंगना रनौत अब की बार, कंगना रनौत, कंगना रनौत। साथियों, मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनना ये तय है। दुनिया की कोई ताकत उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं सकती है। अरे वो भगवान राम के भक्त है। अरे भाई, वो युवा मोर्चा, एक मिनट सुनिए आप, वो भगवान राम के भक्त है। और जो भगवान राम का भक्त है, जिसने 500 साल बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर बनाया, उसको कोई रोक सकता है क्या? उसको कोई रोक सकता है क्या? और जो राम के विरोधी है, जिन्होंने श्री राम जन्म स्थान पर राम मंदिर बनने से रोका, जिन्होंने अड़ंगा लगाया, अटकाया, लटकाया, भटकाया, राम जी का विरोध किया, राम के अस्तित्व को चुनौती दी, ऐसे राम विरोधी जीत सकते हैं क्या? ऐसे राम विरोधियों को जीतने दोगे क्या? ऐसे राम विरोधियों की सरकार बनेगी क्या? ऐसे राम विरोधियों को वोट दोगे क्या? भाइयों, अंतिम बात, यहां लोकलिज्म के चक्कर में मत आना। ये कुछ नहीं कर सकते। सड़कों के हालात आपने देख लिए,
इनकी माताजी भी दिल्ली में सांसद थी, ठन ठन गोपाल। अपने इलाके का हाल सुधारना है, आपको मैं धन्यवाद देने आया हूँ। कौल सिंह जी को आपने जीत के कगार पर पहुंचा दिया, आपकी शक्ति का एहसास आपको हो चुका है। अब वक्त आ गया है इस बार रामपुर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की लीड आनी चाहिए। आएगी आएगी, बीजेपी को लीड आएगी, और दम से बोलो भाई आएगी। तो फिर एक बार मुट्ठी बंद करिए, माननीय नड्डा जी को विश्वास दिलाइए, मुट्ठी बंद करिए, हाथ ऊपर करिए, बोलिए जय जय श्री राम। ये आपका संकल्प है, यहाँ से जाने के बाद कोई नहीं बोलेगा रामपुर में ऐसा, रामपुर में ऐसा। अरे बदल दो तस्वीर, बदल दो तकदीर, बदल दो रामपुर को, मोदी मय कर दो रामपुर को। ननखड़ी यहाँ पर देख रहा है, ना किसी ने इतना बड़ा पंडाल देखा, ना इतनी बड़ी रैली देखी, ना इतनी बड़ी चुनौती देखी। बोलिए जय जय श्री राम। ओ भाई पीछे वाले, आप राम विरोधी हैं क्या? हाथ खड़ा करो ऊपर, आप भी करो, जो राम का नहीं है वो नहीं करेगा। बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम। मैं बड़े अदब के साथ राष्ट्रीय नेता, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, हिमाचल प्रदेश के सपूत, भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूँ। जरा तालियां बजाइए, सीटियां बजाइए, अभिनंदन करिए, तालियां सीटियां, जोरदार सीटियां। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस विशाल जनसभा में, और मैं ये भी कहूंगा कि ये ऐतिहासिक जनसभा में, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, राज्यसभा संसद में मेरे साथी डॉक्टर सिकंदर कुमार जी, आप सबके बहुत ही प्रिय और आप सबके हरमन प्यारे भाई कौल नेगी जी, श्रीमती नीना शर्मा जी, श्री नरेश चौहान जी, हमारे जिला के महामंत्री विजय गुप्ता जी, भारत भूषण जी, दिनेश रतवान जी, कुलबीर खुन जी, जगदीश मेहता जी, महेंद्र जैन जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष और मेरे कॉलेज के दिनों के, यूनिवर्सिटी के दिनों के साथी भीमसेन ठाकुर जी, डॉक्टर सन्नी शुक्ला जी, रामकृष्ण जी, अमित ठाकुर जी प्रदेश मीडिया प्रभारी, सभी मंच पर विराजमान पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे प्यारे नौजवान साथी, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मुझे आज
यहां ननखड़ी में आने पर सबसे पहले हेलीपैड से यहां आने पे जो रास्ते में हिचकोले लगे तो मैं उन हिचकोलों को खाता हुआ सोच रहा था कि मैं कहां जा रहा हूं और कैसी सभा होगी। लेकिन जब मैं यहां आया तो मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मेरे को हिचकोलों की त्रासदी भूल गई और आप लोगों का जो मैंने उत्साह देखा, आप लोगों की जो मैंने उमंग देखी, आप लोगों की जो मैंने खुशी देखी, आप लोगों की जो मैंने तरोताजगी के साथ पार्टी को मदद करने की जो इच्छा देखी, मेरी थकावट दूर हो गई और मैं धन्य हो गया। आप सबके दर्शन करके मैं सच में आपको धन्यवाद देता हूं, सच में धन्यवाद देता हूं। मेरे पत्रकार मित्र भी यहां बैठे हुए हैं, वो लंबे समय से विश्लेषण करते रहे हैं। मैं भी रामपुर लगभग 40 वर्षों से आ रहा हूं। जब रामपुर का छोटा सा बस स्टैंड होता था तब से, और ज्योरी से मुड़कर के भीमा काली के मंदिर आया करता था, तब से लेकर मैंने बहुत सभाएं देखी हैं, बहुत सभाएं देखी हैं, और मैंने बहुत सभाओं में जोश भी देखा, उत्साह भी देखा। मैंने वीरभद्र सिंह जी की भी सभा देखी है, लेकिन रामपुर में और वो भी ननखड़ी में ऐसी सभा किसी ने नहीं देखी, किसी ने नहीं देखी। ये पहली बार यहां ननखड़ी में इतनी बड़ी संख्या में इतने जोश के साथ इस सभा को देखकर मैं कह सकता हूं कि रामपुर ने बदलाव का निर्णय ले लिया है, ननखड़ी ने बदलाव का निर्णय ले लिया है। और ले भी क्यों ना, ये समय की आवश्यकता है। मैं यहां एक बात की और भी खुशी महसूस कर रहा हूं, और वो खुशी ये है कि हमारी मातृशक्ति ने, हमारी बहनों ने, हमारी माताओं ने नंबर में, ताकत में पुरुषों से कहीं कम नहीं है, यह भी साबित कर दिया। ये जो आपने जोश दिखाया है, इसमें एक बात हमको समझनी होगी, ये अंतर कैसे आया, ये अंतर क्यों आया। ये अंतर इसलिए आया क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में राजनीति का, राजनेताओं का काम करने का तरीका, उनका सोच का तरीका, उनकी संस्कृति का, उनके वर्क कल्चर का वो बदल डाला है। राजनीति बदल गई है। पहले 10 साल पहले आप ही बोला करते थे, आप ही बोला करते थे, कुछ नहीं बदलने वाला है, ऐसे ही रहेगा, ये हमारी किस्मत है, हमको ऐसे ही रहना पड़ेगा, कोई नेता हमारी किस्मत नहीं बदलेगा। और मुझे याद है सब लोग बोला करते थे उस समय, भाई दाल रोटी तो कमा के खाई जाएगी, था कि नहीं था, ये समय था कि नहीं था। आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत अब कहने लगा है कि अब हम
विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेंगे और विकसित भारत को ले जाएंगे। 10 साल पहले आप जाति के नाम पर, आप धर्म के नाम पर, आप इलाके के नाम पर, आप पहाड़ और मैदान के नाम पर, आप सतलज के उस पार और इस पार के नाम पर वोट बांटा करते थे और वोट बटा करते थे। लेकिन मोदी जी ने विकासवाद का नारा दिया, विकासवाद का नारा दिया, विकासवाद, हर एक दृष्टि से विकास होना चाहिए। और सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा हो गया। 10 साल में जो अंतर आया है, आज सारा देश मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, तीसरी बार बनाने। मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी। आश्चर्य इस बात का होगा कि जहां अमेरिका जैसा देश कोरोना की मार के बाद खड़ा नहीं हो पाया, यूरोप जैसा देश, जैसे देश कोरोना की मार के बाद उनकी अर्थनीति डगमगा रही है, जापान की अर्थनीति पिछड़ रही है, चीन पीछे जा रहा है, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया सबकी अर्थनीति डगमगा रही है, ऐसे में कोरोना की मार के बाद और यूक्रेन के युद्ध के बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था से लंबी छलांग लगा करके आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। और आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे, 3 साल के अंदर भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएगा, तीसरी आर्थिक व्यवस्था बन जाएगा। मित्रों, ये भारत कैसा था 10 साल पहले? ये मांगने वाला भारत था, ये भ्रष्टाचारी देश कहलाता था, ये पिछलग्गू देश कहलाता था, ये पीछे पीछे चलने वाला देश कहलाता था। यहां दवाई, जो दवाई 25 साल पहले बन जाती थी वो यहां आती थी, जो 28 साल पहले बन जाती थी वो भारत में आती थी। अपने देश में टेटनेस की दवाई को भारत में आने में 28 साल लग गए, डिप्थेरिया की दवाई को आने में 25 साल लग गए, ट्यूबरक्लोसिस टीबी की दवा को आने में 28 साल लग गए, जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए, 100 साल। और जब कोरोना आया तो मोदी जी ने 9 महीने के अंदर देश का आत्मविश्वास जगाया और एक नहीं, दो दो वैक्सीन बना करके भारत को दी, दो दो वैक्सीन बना दी। और आप सब लोगों को, 140 करोड़ की जनता को 220 करोड़ डबल डोज और विद बूस्टर, गांव के दूर दूर इलाके में हमारे नर्सों ने जाकर के, हमारे डॉक्टर्स ने जाकर आपको इंजेक्शन लगाया और कोरोना से मुक्त कराया। और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज गति से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम भारत ने किया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मोदी जी ने 140 करोड़ देशवासियों को बचा लिया। आज दवाई में दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है, दवाई बनाने में दूसरे नंबर। कोरोना की दवाई हमने 100 देशों को दी, 100 देशों को, और 48 देशों को हमने मुफ्त में दी, मुफ्त में। अब भारत मांगने वाला भारत नहीं है, अब भारत देने वाला भारत है, यह भी हमको समझ लेना चाहिए। नेपाल में भूकंप आया, सबसे पहले भारत के डॉक्टर और भारत की दवाइयां पहुंची। फिजी में भूकंप आया, सबसे पहले भारत पहुंचा।
मेडागास्कर में त्रासदी हुई, सबसे पहले भारत पहुंचा। मालदीव में त्रासदी हुई, सबसे पहले भारत पहुंचा। टर्की में भूकंप आया, सैकड़ों बिल्डिंगें गिर गईं, हजारों लोगों की मौत हो गई, सबसे पहले सूर्यास्त से पहले भारत का जहाज पहुंचा और भारत ने उनका सेवा की। इसलिए भारत आज पीछे रहने वाला देश नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया को आशा है तो भारत से आशा है, ये आज भारत बन गया, इसको हमको समझ लेना चाहिए। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, केमिकल्स में भारत आगे, स्टील बनाने में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है, पेट्रोकेमिकल्स में भारत दूसरे नंबर पर खड़ा है। आप लोग 10 साल 12 साल पहले दिवाली में जो गणेश जी लाते थे ना, गणेश जी की मूर्ति लाते थे ना, उसको पूजते थे ना, उसके नीचे आप देखते नहीं थे, उसके नीचे चिप्पी लगी रहती थी मेड इन चाइना, यानी हमारे गणेश जी भी चाइना से आते थे। ये मोदी जी ने मन की बात में कहा, क्या भारत अपने खिलौने और अपने देव आराध्य देव को भी बना नहीं सकता है? और आज दुनिया में भारत टॉय इंडस्ट्री में और देवों को बनाने में तीसरे नंबर की इंडस्ट्री बन गई, तीसरे नंबर की इंडस्ट्री बन गई। हमने गाड़ियां बनाने में जापान को पछाड़ दिया है। ये जो आप भारत में गाड़ियां देख रहे हैं ना, टोयोटा, ये सारी, ये क्रिस्टा, ये सब, आपको जानकर खुशी होगी कि हम दुनिया में भारत ऑटोमोबाइल में तीसरे नंबर का देश हो गया है, जापान पीछे छूट गया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और एक बात और मैं कहूंगा फख्र से, आप सबके हाथ में मोबाइल है ना, आप सबके हाथ में मोबाइल है ना, जरा जोर से बोलो। 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, 10 साल पहले इस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज अपना मोबाइल उठा के देखो, इसमें लिखा है मेड इन इंडिया 97%। अब एप्पल भी इंडिया में बन रहा है, एप्पल भी इंडिया में बन रहा है। और मैं यहां, महिला शक्ति बैठी है, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे सारे लोग बैठे, आपको जानकर के खुशी होगी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री मोदी जी 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल दे रहे हैं, और लगभग 11 लाख लोगों को हिमाचल में भी यह अन्न मिल रहा है। इसके कारण आज भारत के गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, इस तरीके की परिस्थिति होकर के खड़ी हो गई। आप सब लोग अभी यहां आए हैं, सुबह सुबह आप खाना बना करके आए होंगे, आपने घर के लिए भोजन बनाया होगा, सुबह चाय पिलाई होगी। मैं महिला शक्ति से पूछता हूं, बोलो 10 साल पहले आप जंगलों में जाकर के लकड़ी काट के लाते थे कि नहीं लाते थे, लाते थे कि नहीं लाते थे? 10 साल पहले सुबह 5 बजे उठती थी बहनें और जंगल में जाती थी, लकड़ियां ठक 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 काटती थी कि नहीं काटती थी, बोलो? और काट करके बड़ा बोझा उठा के पगडंडी से घर लाती थी कि नहीं लाती थी? और रास्ते में कोई मिल जाए तो या तो पगडंडी छोड़ो या बंदे को बोलो कि तुम छोड़ो, तब जाकर के आप निकलती थी, होता था कि नहीं होता था? और गीली लकड़ी ला के और फिर चूल्हा जलाती थी और फिर फूकनी, क्या बोलते हैं यहां, फूकनी बोलते हैं, फूकनी से फूक फूक के, फूक फूक के, और जितना धुआं वहां नहीं होता था उतना धुआं छाती में लेती थी और रसोई भर जाती थी धुएं से, आंखों से पानी आ जाता था, आता था कि नहीं आता था? पानी आ जाता था, लोग रसोई के दरवाजे खोल के बाहर जाकर के आंखें जरा ठीक करती थी, 200 सिगरेट के बराबर का धुआं छाती में लेती थी। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में
10 करोड़ बहनों को गैस का सिलेंडर दिया और उनके जीवन बदल करके रख दिया। बोलो ताकत मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली? ये महिला सशक्तिकरण हुआ। मैं कहना नहीं चाहता लेकिन याद दिलाना चाहता हूं। आप बताइए सब लोग 10 साल 12 साल पहले अपने दैनिक नित्यक्रम के लिए बाहर खेतों में जाना पड़ता था कि नहीं जाना पड़ता था? बहनों को सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था कि नहीं करना पड़ता था? और संख्या कितनी थी? 140 करोड़ में 12 करोड़, यानी 12 करोड़ बहनों को इज्जत से जीने का अधिकार नहीं था। ये मोदी जी ने इज्जत घर दिया, शौचालय बनाए, टॉयलेट बनाए और इज्जत घर दे करके महिलाओं को, 12 करोड़ बहनों को इज्जत देने का काम किया तो मोदी जी ने किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी बताना चाहता हूं, हमारे कॉल नेगी बैठे हैं, मैं कॉल नेगी से पूछना चाहूंगा। एक समय था कि आप लोग इंदिरा आवास योजना में दो दो घर मिलते थे, एक एक पंचायत को दो दो घर, दो दो घर। आज मोदी जी ने 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़। एक एक पंचायत में 50-50 घर बने, एक एक पंचायत में। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जरा जोर से बोलो, मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और एक बात और बता दूं, आप फिर से कंगना जी को चुनाव जिताइएगा, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाइएगा, 5 साल बाद जब मैं आऊंगा आपकी बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और आपका बिजली का बिल मुफ्त क्यों होगा? आपका बिजली का बिल मुफ्त इसलिए होगा कि हर घर को मोदी जी के तरफ से 75,000 रुपए का सौर ऊर्जा आपके छत पर लगेगी और सौर ऊर्जा से आपको बिजली होगी जो आपके घर को चलाएगी और जो बिजली बच जाएगी वो ग्रिड में चली जाएगी और जब वो खर्च होगी तो उसका बिजली का पैसा आपको आमदनी हो जाएगी, आपके घर में आमदनी हो जाएगी। प्रधानमंत्री सूर्य हर घर बिजली योजना ये लागू होने वाला है। मैं यहां ये भी बताना चाहूंगा कि आयुष्मान भारत में यहां बैठी बहनें हों चाहे हमारे बुजुर्ग हैं, आपको अभी 5 लाख रुपए गरीब लोगों को मिल रहा है और हिम केयर में आपको 5 लाख रुपए मिल रहा है। ये कांग्रेस की सरकार, ये विक्रमादित्य की सरकार, ये सुक्रू की सरकार, ये हिम केयर का भी 200 करोड़ रुपए नहीं दिया है डॉक्टरों का, अस्पतालों का, इसलिए बिजली का बिल भुगतान नहीं हो रहा है। खैर इनका हिसाब तो मैं इस चुनाव के बाद लूंगा, इनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि हर महिला, हर बहन, हर बुजुर्ग जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी या जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की है, उनको किसी भी उम्र, किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी इलाके के, किसी भी आमदनी के, अमीर हो या गरीब, सबको प्रधानमंत्री जी की तरफ से 70 साल से ऊपर को हर साल गंभीर बीमारी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड मिलेगा, 5 लाख रुपए। बोलो ये बदलता भारत है कि नहीं है? बोलो ये बदलता हिमाचल है कि नहीं है? ये बदलता रामपुर है कि नहीं है? ये बदलती ननखड़ी है कि नहीं है? ये बदलती तस्वीर है। यहां इंश्योरेंस कंपनी भी 70 साल के बाद मेडिकल इंश्योरेंस नहीं करते किसी का, और मोदी जी ने कहा 70 साल से लेकर अंतिम सांस तक कोई भी बीमारी होगी उसको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा, 5 लाख। यह है मानवता, यह है देश को देखने का तरीका। मित्रों मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा, जब इस सरकार की, हिमाचल सरकार की, विक्रमादित्य की सरकार की बात हो रही है, वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ना, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है ना,
मोदी जी ने 1782 करोड़ रुपए बाढ़ के बाद, ये त्रासदी के बाद राहत कार्य में भेजा है, राहत कार्य में, और 2500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क गांव की सड़क बनाने के लिए दिया है, और 11000 नए घर बनाने के लिए पैसा दिया है, 11000 घर बनाने के लिए। लेकिन ये सरकार बंदर बांट कर रही है, बंदर बांट, ये सरकार जमीन पर लगा नहीं रही है। आप कंगना जी को जिता दो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, इनका हिसाब तो मैं बाद में लूंगा, एक एक का हिसाब लूंगा मैं। इसलिए मित्रों, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको ताकत देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मैं यहां ये भी बोलना चाहता हूं बहनों और बहनों के लिए विशेष करके, अभी 2024 है, 2028 में, 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा और 2029 में लोकसभा का चुनाव होगा। अगले चुनाव में विधानसभा में भी 33% बहनें होंगी और लोकसभा में भी 33% एमपी बहनें होंगी, और उनके लिए आपको आपका स्वागत है। इसलिए महिला शक्ति को भी ताकत देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें इन सारी बातों को रखा है। और उसी तरीके से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं कि विकास के नए नए आयाम खड़े कर रहे हैं। आप बताइए, यहां पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हिमाचल को मिला कि नहीं मिला? जरा जोर से बोलो, मिला कि नहीं मिला? जो पढ़ाई पढ़ने के लिए आप अहमदाबाद जाते थे, अब हिमाचल में आप ऊना में पढ़ाई कर, सिरमौर में पढ़ाई कर सकोगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी आया कि नहीं आया? बल्क ड्रग पार्क आया कि नहीं आया? आप बताइए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया कि नहीं आया? अब आपको इलाज के लिए चंडीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, बिलासपुर में आपका इलाज हो जाएगा, इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है। शिमला में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया है। हर एक दृष्टि से 3 नए मेडिकल कॉलेज दिए मोदी जी ने, 3 मेडिकल कॉलेज, सिरमौर में मेडिकल कॉलेज, चंबा में मेडिकल कॉलेज, हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज, बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। हर दृष्टि से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए मैं ये कहने आया हूं, अभी जो राहत कार्य पहुंचा है कुल मिलाकर के 3200 करोड़ रुपए का पहुंचा है, 3200 करोड़ रुपए, जिसमें से 1780 करोड़ रुपए ये राहत कार्य सड़क के लिए मिला, 11000 करोड़ रुपए अलग से मिला, और उसी तरीके से 2500 करोड़ रुपए अलग से दिया गया, जिस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया। बोलो, ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने दोगे क्या? जरा मैं उधर से आवाज सुनना चाहता हूं, रहने दोगे क्या? रहने दोगे? मित्रों, ये हाथी के दांत दिखाने के और हैं, खाने के और हैं। जब बांटना होता है तो इनको अपने परिवार याद आता है, अपने रिश्तेदार याद आते हैं, तब आप नहीं याद आते इनको। और जब मांगना होता है वोट तो बोलते हैं दीदी, ताई, पाई, माई, वोट दो, वोट दो, वोट दो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते हैं। और फिर बंदर बांट करते हैं, बंदर बांट करते हैं। इनको घर में बैठाना जरूरी है। और एक बात और बता दूं, आपका ट्राइबल का आरक्षण रिजर्वेशन, आपका दलित का रिजर्वेशन, इस पर कांग्रेसी डाका डालने वाले हैं। ये माइनॉरिटीज को, मुस्लिम को आरक्षण देकर आपके आरक्षण का हिस्सा में डाका डालना चाहते हैं। बोलो, इन कांग्रेसियों को ही करने देंगे क्या? जरा जोर से बोलिए, होने देंगे क्या? होने दोगे क्या? इनकी कोशिश है कि ट्राइबल, आदिवासी, ट्राइबल, दलित,
और पिछड़ा बैकवर्ड ओबीसी इन तीनों के आरक्षण पर डाका डाल के मुस्लिम माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाए। और इन्होंने ये काम कर्नाटक में कर भी दिया, आंध्र में इन्हों की तीन बार कोशिश की है और इनको आपको छुट्टी करनी होगी। बोलो आप इनका साथ दोगे क्या? साथ दोगे क्या? आपका विकास भारतीय जनता पार्टी के साथ, आपका विकास मोदी जी के साथ है, आपकी तरक्की और आपको ताकत मोदी जी के माध्यम से है। और इसीलिए मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं। मैं बहुत लंबी बात कर सकता हूं लेकिन मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हो, भूखे भी होंगे, भूख भी लग गई होगी, प्यास भी लगी होगी और आप बोल रहे हो कि नड्डा जी भाषण ही चलाए चले जा रहे हैं, भाषण ही चलाए चले जा रहे हैं। तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन एक ही बात मेरे को वायदा करो, कंगना को चुनाव जिताओगे ना? जरा जोर से बोलिए, कंगना को चुनाव जिताओगे ना? कंगना को चुनाव जिताएंगे ना? कमल को खिलाएंगे ना? ननकड़ी में कमल को खिलाएंगे ना? रामपुर में कमल को खिलाएंगे ना? दुनिया को संदेश देंगे ना? देश को संदेश देंगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिमाचल। धन्यवाद। कुछ परिवार हमारे भाजपा परिवार में शामिल होना चाहते हैं। हरदयाल सिंह, प्रदीप ठाकुर, गोपाल मेहता जी, शिवलाल ठाकुर जी, डीएस मेहता जी और रामपुर से हमारे राघव सोनी जी।